हुडको वार्ड 70 स्थित उजाड़ पड़े पार्क के संधारण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी पूरे विधि विधान से भूमि पूजन क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी व वार्ड वासियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। आमदीनगर हुडको वार्ड 70 स्थित इस पार्क के संधारण की मांग वार्डवासी काफी लंबे समय से कर रहे थे। वहीं क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी की पहल से वर्तमान में इस पार्क को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसका विधिवत भूमि पूजन गुरुवार को किया भी गया। इस पार्क में पाथवे के अलावा नए झूले व हरियाली के लिए वृक्षारोपण के साथ ही अन्य सभी वो सुविधाएं जो पार्क में हो वो उपलब्ध कराई जाएगी। वार्डवासियों में भूमि पूजन के दौरान काफी उत्साह नजर आया। सभी ने पार्षद सीजू एंथोनी का साधुवाद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। को बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि हम बहुत अच्छे प्रतिनिधि चुने हैं, जिसके बदौलत ये काम हो रहा है, तो जो इसके लिए ताली बजाइए। हमारे सीजू जी बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो विधानसभा दुर्ग विधानसभा के प्रभारी भी है और अपना राजस्व विभाग के प्रभारी भी है। तो ये इससे बड़ा ये हुडको वाले की शान की बात है, हुडको वाले की इज्जत बढ़ जाती है और हम चाहते भिलाई में एक हुडको एक आदर्श साबित हो, जैसे सेक्टर 5 को आज बोलते हैं, अपन चाहते हैं कि उससे भी बढ़िया सेक्टर 5 से भी बढ़िया हुडको का नाम हो और सीजू जी का नाम हो, हुडको वासियों का नाम हो। और आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया वाला पार्क बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब लोग हम लोग इधर उधर पार्क में जाते हैं और फिर आजकल चोरी वोरी का भी समस्या हो जाता है, इसलिए इधर का पार्क बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और प्राय प्राय सभी लोग यहाँ आसपास के ही हैं, ये वाला पार्क तो बने ही बने। और साथ में जो पहले पार्षद जो बनी थी ना कुंती साहू, उनका भी पार्क बन जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंती साहू का भी पार्क बनाना बोल रहे हैं। सीजू भैया जब से आए हैं तब से भी पूरा अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है, हर कार्यक्रम, और अभी विकास का कार्य हुडको का तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी सभी गार्डन में एक एक दिन करके एक एक दिन हर गार्डन का उद्घाटन हो रहा है। अभी कल ही MIG2 का उद्घाटन हुआ, यहाँ का भी, यहाँ 8 साल पहले से बना है यहाँ का, लेकिन अभी यहाँ पेवर ब्लॉक लगेगा और यहाँ झूला वगैरह सब बच्चे लोगों का खेलने का सब व्यवस्था अच्छा से। और ये पार्क में सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, उन लोग वॉकिंग कर सकते हैं हमेशा, यहाँ बैठ के अच्छा से बात बात करना, घूमना फिरना सब अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस प्रकार सेक्टर 5 में बना हुआ है उससे अच्छा हमारे हुडको सेक्टर का बने बहुत अच्छा रहेगा, और हमारे हुडको का नाम रहे और एंथोनी भैया का भी नाम रहे। और देवेंद्र विधायक जी है तो वो तो कर ही रहे हैं, हर जगह हर क्षेत्र में विकास का काम देवेंद्र विधायक जी से हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ का भी विकास बहुत अच्छा हो और हुडको का नाम हो। कि सीजू जी के कार्यकाल में ये गार्डन इतना अच्छा बने कि पूरे भिलाई में अलग से दिखे, गार्डन के रूप में हुडको को पहचाना जाए, इतना इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वही पार्षद सीजू एंथोनी ने भी कुछ इस तरह की जानकारी दी। ये नया पार्क जो है पिछले 8 साल पहले बना था, उसमें पाथवे में पेड़ ब्लॉक वगैरह का उद्घाटन आज हो रहा है, झूला लाइट सब का आज उद्घाटन करें, बुजुर्गों के मतलब यहाँ के लोगों की मांग थी तो उसको तत्काल प्रभाव से मतलब जैसे भी टेंडर हो गया है उसका काम चालू हो जाएगा कल से। जैसे कि सभी वार्डों में ओपन जिम का भी लगभग टारगेट में है और लोगों की मांग है, यहाँ क्या ओपन जिम लोगों की मांग के हिसाब से भी प्रपोजल दिए हैं, अभी अगले मार्च बजट में वो भी हो जाएगा, यहाँ पे ओपन जिम 2-3 जगह अपन चिन्हित किए हैं उसमें हो जाएगा। बहरहाल भूमि पूजन के पश्चात जल्द ही इस पार्क के संधारण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। पूर्ण रूप से तैयार पार्क लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।